गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट द सोलर सिस्टम एंड पार्ट 7 एंड दिस आर टूडेज वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट है फॉर कास्टिंग, FORECASTING. फॉर कास्टिंग मीन्स क्या होता है? पूर्वा अनुमान लगाना, जिसे हम भविष्यवाणी भी कहते हैं. तो पूर्वा अनुमान से मीन है पूर्वानुमान. नेक्स्ट है टेलीकास्टिंग, TELECASTING. टेलीकास्टिंग मीन्स होता है प्रसार करना. कम्युनिकेशन, COMMUNICATION. कम्युनिकेशन मीन्स संचार. नेक्स्ट है एस्ट्रोनोमर, ASTRONOMER. एस्ट्रोनोमर क्या होता है? खगोल विज्ञानी को कहते हैं. जो अंतरिक्ष के बारे में बताता है उसे एस्ट्रोनोमर कहा जाता है. एंशियंट, ANCIENT. एंशियंट मीन्स प्राचीन. बिलियंस, BILLIONS. बिलियंस मीन्स होता है अरबों. विजिबल, VISIBLE. विजिबल, विजिबल यानी दिखाई दे. अब नेक्स्ट है वार्निंग मून, WANING. वार्निंग मून से होता है कि जो ढलता हुआ चंद्रमा. देखिए, हम चंद्रमा को बहुत रूपों में देखते हैं, तो एक वार्निंग मून भी है. ऑब्जर्व करना, OBSERVE. ऑब्जर्व यानी निरीक्षण. ओके, वी हैव आल्सो सेंट मैनी मैन बैड सैटेलाइट्स इन टू द स्पेस. देखिए, हमने बहुत सारे भेजे हैं मैन मैड सैटेलाइट्स को स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेजे हैं. यानी हमारे द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजा गया जो आदमियों के द्वारा बने हुए थे. दे आल्सो मूव अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक द मून. वे भी क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा लगाता है वैसे ही मूव करता है. दिस सैटेलाइट्स हेल्प अस इन मैनी वेज. और ये उपग्रह हैं हमारे बहुत तरीके से हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं. लाइक वेदर, मौसम के बारे में बताने में. फोरकास्टिंग यानी उनकी पूर्वानुमान लगाने में. भाई भविष्यवाणी बताने में भी करते हैं, कैसे आज मौसम कैसे रहेगा, तो उसे फोरकास्टिंग कहते हैं. लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, और पृथ्वी के जो लोकेटिंग प्लेसेस हैं या जो निर्धारित स्थान है उनके बारे में भी बताते हैं. टेलीकास्टिंग टेलीविज़न शोज एंड कम्युनिकेशन. और टेलीविज़न शोज होते हैं उनकी भी टेलीकास्टिंग करते हैं. टेलीकास्टिंग करना है उनका प्रसारण करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया जाए. एंड कम्युनिकेशन भी होता है, संचार भी होता है. तो ये सारी चीज़ें हम किसके द्वारा करते हैं? सैटेलाइट के द्वारा होती है पॉसिबल. नेक्स्ट, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? अब स्पुतनिक फर्स्ट वाज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट डेट वाज सेंट इनटू स्पेस इन 1957. स्पुतनिक फर्स्ट जो था वो पहला मैन मेड सैटेलाइट था जो भेजा गया था अंतरिक्ष में 1957 में. इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट इन 1975 एंड नेम्ड इन आर्यभट्ट आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनोमर ऑफ एंशियंट इंडिया. भारत ने भी अपना पहला जो मैनमेड सैटेलाइट था वो भेजा. कब भेजा? 1975 में, जिसका नाम क्या दिया गया था? आर्यभट्ट दिया गया था. और आप सबको पता है आर्यभट्ट कौन थे? ये हमारे जो फेमस प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी थे जो प्राचीन भारत के थे, यानी पहले के समय जो एंशियंट इंडिया थे उसके इंडियन एस्ट्रोनोमर थे आर्यभट्ट. और उन्हीं के नाम पे हमारा पहला मैनमेड सैटेलाइट 1975 में भेजा गया था. ओके, नेक्स्ट, सोलर सिस्टम. द सन टुगेदर विद द एट प्लेनेट्स देयर मून्स एंड और अदर हेवनली बॉडीज डैट मूव अराउंड द सन मेक अप आवर सोलर सिस्टम. देखिए, सोलर सिस्टम क्या है? सन जो है वो एट प्लेनेट के चारों ओर रहता है.
देयर मून्स अपने चंद्रमाओं के साथ रहते हैं, एंड ऑल अदर हेवनली बॉडीज और भी जो आकाशीय आकृतियाँ होती है, खंड होते हैं उनके साथ, डेट मूव अराउंड द सन, जो क्या करते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मेकअप अवर सोलर सिस्टम और हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं. साइंटिस्ट बिलीव डेट देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम्स. हमारे वैज्ञानिक किस में विश्वास करते हैं कि जो सोलर सिस्टम है ना, अन्य इनके अलावा भी अरबों अरबों सोलर सिस्टम है हमारे पास. हमारे पास कुछ तो है जिनके बारे में हमें नॉलेज है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम्स. ओके, नेक्स्ट लेट्स ट्राई 6. अब देखिए 6 नंबर की एक्सरसाइज है, तो क्या कोशिश करनी है, राइट इन योर नोटबुक. आपको नोटबुक में लिखना है द टू वेज बाय विच मैन मेड सैटेलाइट्स हेल्प अस. हमें दो ऐसे तरीके बताने हैं कि जो मैन मेड सैटेलाइट हमारी सहायता करता है. तो द मैन मेड सैटेलाइट्स हेल्प अस फोरकास्ट वेदर एंड टेलीकास्ट टेलीविजन शोज. देखिए मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, वो हमारी सहायता करते हैं. किस में करते हैं, फोरकास्ट में करते हैं, वेदर की हमारी सहायता करते हैं, भविष्यवाणी वेदर का पूर्वानुमान के लिए और प्रसारण करने के लिए भी करते हैं, टेलीविजन शोज का जो टेलीकास्ट होता है उसके लिए भी करते हैं. अंडरस्टैंड आई वंडर. अब देखो यहाँ पे एक मिमिक बनाया गया ना, एक आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है. हैव यू एवर वंडर वाई द मून चेंजेस इट्स शेप सो ऑफन. क्या आपको भी ऐसे आश्चर्य होता है कि जो मून है हमारा, चंद्रमा है, वो अक्सर इतनी शेप कैसे बदल लेता है. देखते होंगे कभी कभी आपने आकाश में ऐसी खोजने की कोशिश की कि तो ये सोचे कि अरे कैसे चेंज हो जाता है, तो वही स्टडी हम आगे करते हैं. तो देखिए पहला लेट्स ट्राई 7. चलो आप 7 नंबर की एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं. सम स्टूडेंट्स अरेंज फॉर ए लैम्प एंड ए बिग बॉल. देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाई गई है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लैम्प का व्यवस्थित करते अरेंज करते और एक बड़ी बॉल भी लेते हैं. दे कैप्ट द बॉल ऑन ए स्मॉल स्टैंड. वे क्या करते हैं, एक उस बॉल को एक छोटे से स्टैंड के पास में रख देते हैं. एंड सेट अप द बॉल इन फ्रंट ऑफ द लिट लैम्प इन ए डार्क रूम. और बॉल को भी स्थापित कर देते हैं, जो लैम्प होती है जल रही है मोमबत्ती या लैम्प, वहाँ पे कर देते हैं अंधेरे वाले रूम में. बेस्ट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब देखिए आपकी समझदारी पर आधारित है जो आपको जवाब देने हैं. हालांकि मैंने फिल कर लिया है तो, लेकिन आपको खुद को सोचना है और आपको डिसाइड करना है कि इसका आंसर कैसे होगा. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच ऑफ द बॉल इज लिट. द इंटायर बॉल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉल और अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉल. देखिए अब जैसे हमने बॉल लिया है, आपको समझ गए ना, अभी पिक्चर फिगर 6 में देख रहे हैं आप कि एक लैम्प की रोशनी डाली गई है बॉल के ऊपर डाली गई है. अगर हम बॉल के ऊपर डालते हैं तो बॉल का जो कितना भाग जो है, हाउ मच ऑफ द बॉल इज लिट, कितने बॉल पे रोशनी हो रही है, क्या संपूर्ण बॉल पे हो रही है. एंटायर मीन्स क्या होता है, कंप्लीट. ऑलमोस्ट वो हाफ ऑफ द बॉल या अधिकतर आधी बॉल पे, या स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉल या छोटे से हिस्से पे हो रही है. तो आप सब जानते हो कि उसका अधिकतर जो हाफ हिस्सा है उस बॉल का, उसके ऊपर रोशनी जा रही है. तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे हाफ बॉल पे नजर आ रहा है, तो इस तरह से जा रही है. नेक्स्ट इज एनी पार्ट ऑफ द बॉल अनलिट. क्या उसका कोई पार्ट जो है वो अनलिट है. देखो लिट यानी प्रज्वलित होना, रोशनी दिखाई देना, अनलिट यानी अंधेरे में है. तो आपको पता है कि जहाँ पे रोशनी जाएगी वही हिस्सा हमें जलता हुआ दिखाई देगा या वहाँ पे रोशनी दिखाई देगी. अगर ये आप जो ये करते हैं हम, तो ये अगर करके देखेंगे, अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन को ढंग से करके देखेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि इज एनी पार्ट ऑफ द बॉल अनलिट, यस, कि कोई हिस्सा रह रहा है कि बिना रोशनी के, हाँ रह रहा है, क्योंकि कंप्लीट रोशनी नहीं पहुँचेगी टॉर्च के द्वारा. थर्ड वाले में क्या पूछा जा रहा है, इफ यस then which part of the ball is unlit? यदि हाँ तो कौन से हिस्से में अनलिट हो रही है, मतलब the part of the ball that was away from the lamp. कौन से हिस्से में अनलिट है, जहाँ पे रोशनी लैम्प की नहीं पहुँची है, दूर है, तो वहीं पर अंधेरा है. ओके नेक्स्ट
सपोज द लैम्प इज द सन एंड बॉल इज द मून. अब मान लीजिए कि जो सूर्य है वो तो लैम्प है हमारा और मून क्या है, बॉल है. तो विच पार्ट ऑफ द मून विल बी लिट बाई द सन. अब देखिए अगर हमारे सूर्य है तो कौन से हिस्से पे हमारे लिट होगा. मून विल बी लिट बाई द सन, द पार्ट फेसिंग द सन. तो ये तो हमें पता है कि जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर वही भाग हमें दिखाई देगा और जहाँ नहीं पड़ेगी वो छुपा हुआ दिखाई देगा. तो द पार्ट फेसिंग द सन. नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द मून विल बी इन डार्कनेस. तो कौन सा हिस्सा जो है चंद्रमा का वो अंधेरे में है. द पार्ट अवे फ्रॉम द सन. तो वह हिस्सा ही तो रहेगा जो सूर्य से दूर है. अभी हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे प्रयोग किया था. किसका एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, कि हमने बॉल के थ्रू ये बताने की कोशिश की. अगर हम लैम्प को एक प्रोसेस पे डालेंगे और एक डार्क रूम में करेंगे तो ये चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी. तो रोशनी जहाँ पे पड़ेगी वो हिस्सा तो लिट रहेगा और जहाँ पे नहीं पड़ेगी वहाँ पे डार्कनेस रहेगी. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट. आओ अब इन्हीं क्वेश्चन को हम पढ़ के देखते हैं, सर्च करते हैं. द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून. अब देखिए चंद्रमा आपको पता है ना कितनी आकृतियों को बदलता रहता है, तो उसी आकृतियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द मून टेक्स 28 डेज टू ट्रेवल वंस अराउंड द अर्थ. जो चंद्रमा है वो 28 डेज लेता है ट्रेवल करने में, चलने में, यात्रा करने में, पृथ्वी का एक राउंड लेने में. एज द मून सर्कल्स अराउंड द अर्थ. जैसे ही चंद्रमा अपने पृथ्वी का सर्कल लेता है चारों ओर का, द शेप ऑफ द मून appears टू चेंज. और उसकी जो चंद्रमा की आकृति है वो भी बदल जाती है. दिस इज बिकॉज वी कैन सी ओनली द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून डैट रिसीव सनलाइट. और ये क्यों होता है, क्योंकि हम केवल वही ब्राइट हिस्सा ही देख पाते हैं चंद्रमा का जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है. दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. अब देखिए दिस डिफरेंट शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट. ये जो अलग अलग हिस्से होते हैं ना, जो चमकीले हिस्से होते हैं मून के, चंद्रमा के, जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा के चरण बोलते हैं. कैसे, उसकी आकृतियों के बारे में बोलते हैं, फेजेस यानी बदलाव बोलते हैं. न्यू मून. When the moon is between the sun and the earth, the bright side of the moon is away from us. Hence, this phase has dark moon, and we cannot see the moon or see only the outline of the moon. And this is called the new moon. और इसी को हम नया चंद्रमा कहते हैं. जब moon क्या होता है, between सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और जो उसका चमकीले हिस्सा होता है, जो चंद्रमा जो हमारे से दूर हो जाता है. हैंस इस प्रकार से दिस फेज, और जब ये चरण होता है ये डार्क मून हो जाता है, यानी गहरा अंधेरा हो जाता है चंद्रमा पे और हम कुछ भी नहीं देख पाते, मून चंद्रमा को भी हम नहीं देख सकते. तो ओनली क्या देखते हैं, चंद्रमा की आउटलाइन देखते हैं. देखते हो कभी आपने नोटिस किया, इसी को न्यू मून कहते हैं. आपने देखो कभी देखना पूर्णिमा के ऊपर और अमावस्या के दिन, तो उसे अमावस्या वाला चंद्रमा भी हम कह सकते हैं जब फुल अंधेरा हो जाता है. ठीक है. वैक्सिंग मून. After the new moon, we can see more and more of the brighter side of the moon. अब देखिए मून चंद्रमा के, नए चंद्रमा के बाद में क्या होता है कि हम देख सकते हैं अधिक से अधिक तेज चमकीला साइड देखते हैं चंद्रमा का. This phase of the moon is called the waxing moon. और जो ये चरण होता है, ये जो क्लाउड उसकी आकृतियाँ चेंज होती है मून की, इसे वैक्सिंग मून कहते हैं. अधिक चंद्रमा कहते हैं इसे. ठीक है. अब आगे फुल मून. 14 days later, the brighter side of the moon becomes visible to the earth. अब देखिए 14 दिनों की जो अवधि होती है उसके बाद में जो चमकीला साइड होता है चंद्रमा का वो हमारे को पृथ्वी से दिखाई देने लग जाता है. When the complete bright moon is visible to us, जब पूरी तरह से चमकीला चंद्रमा क्या है हमारे को देखने योग्य बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड द फुल मून. और इसे हम क्या कहते हैं, पूरा चंद्रमा कहते हैं, यानी पूर्णिमा का चंद्रमा कहते हैं. आगे है वार्निंग मून. वार्निंग का मतलब होता है ढलता हुआ चंद्रमा. अभी हमने वैक्सिंग मून की बात की तो वो भी उसी टाइप में होता, और ये वार्निंग मून का मतलब भी होता है ढलता हुआ चंद्रमा. तो आफ्टर द फुल मून, जब पूरा चंद्रमा हो जाता है, तो वी कैन सी लेस एंड लेस ऑफ द ब्राइट साइड ऑफ द मून.
तो हम देखते कम कम चमकीली साइड हो जाती है मून की, आप नोटिस करना इस चीज़ को, दिस इज कॉल्ड द वैनिंग मून। और इसी को हम ढलना वाला चंद्रमा कहते हैं, जो ढलता चंद्रमा होता है वो कहा जाता है इसे। ओके नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, तो आज हमने देखो चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून पढ़ी, तो आप सबको इनको स्टडी करना है और इनकी जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी आपको स्टडी करते हुए देखना है और अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।